सो हेलो तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मुझे तो पता है आप अच्छे ही होगे। तो फिर पूछता क्यों है? यार तू भी कैसी बात कर रहे है, मेरा फर्ज बनता है, मेरे सब्सक्राइबर हैं वो। ओके दिवाली का फेस्टिव चल रहा है तो सबके घर में खुशियां हैं, और मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। आपके घर में दिवाली की ढेर सारी खुशियां आ जाए, तो मेरी और स्टॉम की तरफ से आप सबको एक बड़ी हैप्पी दिवाली। और हाँ, दिवाली का सीजन है तो मैं भी सोच रहा हूँ आपके लिए पोकेमोन की कुछ ऑसम वीडियोस लाऊं, जिससे मैं आपको गिफ्ट दे सकूँ पोकेमोन का। क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे चैनल पर मोनेटाइजेशन अब तक ऑन नहीं है, क्योंकि वॉच टाइम हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो मैं कोई गिव अवे नहीं कर सकता। पर जब ऑन होगा मैं गिव अवे आप सबके लिए ज़रूर करूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को पूरा देखो एंड तक, ताकि मुझे भी अच्छा वॉच टाइम मिल सके। अभी खाली 2000 है और 4000 वॉच टाइम चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। सो प्लीज मेरी वीडियोस को फुल सपोर्ट दो गाइस। सो आज का टॉपिक है क्रिएशन ड्राइव क्या है, और मैं दिवाली पे आरसीएस और ये डीएल का पाल के गिरे टीनानी की सीनो रीजन पर ज्यादा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको भी लेजेंडरीज के बारे में जानने में मजा आए। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको क्रिएशन ड्राइव, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेंगे और थोड़ी बहुत पावर। सो स्टॉम, वेट किसका कर रहे हो यार, दिवाली तो आ गई, जल्दी से इंट्रो। सो क्रिएशन ड्राइव के नाम से ही आपको पता होगा, इन्होंने पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन किया है और इन्हें बनाया है आर्शियस ने, जो कि खुद अनबीटेबल गॉड ऑफ पोकेमोन है, जिसने सब पोकेमोन को जन्म दिया है। उसी से पूरे पोकेमोन वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी। आर्शियस एक एग में से निकला था, जिसमें से जब वो निकला तब यूनिवर्स भी नहीं था, यानी कि पूरा ब्लैक था, कुछ भी नहीं था। तब उसने तीन पोकेमोन बनाए, यानी कि क्रिएशन ड्राइव। उसमें तीन पोकेमोन में से है डीएलगा, पलकिया और साथ में गिरेटिना। सो आर्शियस ने वर्ल्ड के क्रिएशन के लिए सबको एक एक पावर दी, जैसे कि डीएलगा को आर्शियस ने दी टाइम की पावर, ताकि वो पूरे यूनिवर्स में टाइम ला सके, और साथ में ऐसे ही पलकिया को उसने दी स्पेस की पावर, ताकि जहाँ पर यूनिवर्स में स्पेस नहीं है वो सब स्पेस ले आए, और साथ में गिरेटिना को दी थी एंटी मैटर की पावर। एंटी मैटर का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स की पावर, जिन्हें मिला के एक बड़ा सब्सटेंस क्रिएट किया जा सकता है, ऐसी पावर थी गिरेटिना के पास। धीरे धीरे क्रिएशन ट्रायो यानी कि डीएलगा, पालकी और गिरेटिना वर्ल्ड के क्रिएशन में लग गए, जहाँ पर डीएलगा ने पूरे यूनिवर्स में टाइम लाया और साथ में पालकिया ने वहाँ पर स्पेस लाया, और गिरेटिना ने एंटी मैटर। पर गिरेटिना ने एक पोकेमोन हुपा के साथ मिलके आर्शियस को धोखा दिया। उसने हुपा के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो हुपा को अनबाउंड करेगा और फुल पावर पे ला देगा, और वो और गिरेटिना यानी कि हुपा और गिरेटिना मिलकर आर्शियस को मार देंगे और साथ में पूरे यूनिवर्स पर फिर राज करेंगे। पर आर्शियस तो भाई है गॉड ऑफ पोकेमोन, उसको तो सब पता है। उसको ये भी पता था कि गिरेटिना उसे धोखा देने वाला है। उसने तुरंत हुपा को एक बॉटल में बदल दिया, जिस बॉटल को हमने हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में देखा है, और गिरेटिना को उसने रिवर्स वर्ल्ड यानी कि डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में कैद कर दिया, जो कि एक अलग डायमेंशन है, और वहाँ से गिरेटिना भाग नहीं सकता। और डीएलगा पालकिया ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो आगे का काम संभाल रहे थे। डीएलगा ने पूरे टाइम को बना दिया है और पालकिया ने पूरे स्पेस को, और फिर अब आर्शियस की बारी आती है धरती पर लाइफ लाने की। तो उसने यूक्सी, एजिल्फ और मैस्प्रिट को क्रिएट किया। तो वो क्या करते हैं वो इसके सेकेंड पार्ट में आपको पता चलेगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो जल्दी से इस पर 60 लाइक्स कर दीजिए, ताकि मैं इसका पार्ट 2, जिसमें मैं आपको लेक गार्डियंस यानी कि यूक्सी, एजिल्फ और मैस्प्रिट के बारे में बता सकूं डिटेल में। सो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, साथ में शेयर भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और 60 लाइक के एम को कंप्लीट कर देना, ताकि मैं जल्दी से आपके लिए सेकंड पार्ट लाऊं इस वीडियो का। और इसमें तो खाली डीएलगा पालकिया और गिरेटिना एक्सप्लेन हुए हैं, उसमें तो मैं आपको यूक्सी, एजेल्फ और मैस्प्रिट भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए कुछ पावर्स जान लेते हैं। तो डीएलगा एक ड्रैगन और स्टील टाइप पोकेमोन, जिसके पास अनलिमिटेड टाइम की पावर है, और जिसके पास टाइम आ जाए तो वो भी एक गॉड ही कहलाता है। डीएलगा को टाइम का गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी को भी पास्ट या फ्यूचर में भेज सकता है। और कहा जाता है कि जब ये पोकेमोन का जन्म हुआ तब टाइम चलना स्टार्ट हो गया, और ये टाइम को रोक भी सकता है। और जो पोकेमोन की गेम है ना, पोकेमोन डायमंड, वो डीएलगा पर ही बेस्ड है, और पोकेमोन का जो सीजन है पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल, वो भी डीएलगा और पालकिया पर ही बेस्ड है। और पालकिया है एक वाटर और ड्रैगन टाइप पोकेमोन, जिसको स्पेस का गॉड कहते हैं। कहा जाता है कि ये स्पेस को गायब भी कर सकता है और साथ में क्रिएट भी कर सकता है, और ये कोई भी डायमेंशन को कनेक्ट भी कर सकता है, जिसकी पहली बार झलक हमें मिली थी पोकेमोन द राइज ऑफ डार्करय वाली मूवी में। साथ में कहा ये जाता है कि जब पोकेमोन का जन्म हुआ तब स्पेस क्रिएट होना चालू हो गया। और जो पोकेमोन गेम है पोकेमोन पर्ल, वो पालकिया पर बेस्ड है, और पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल सीजन में जो पर्ल वाला है ना,
नेम उसका मतलब है पालकिया और डायमंड का मतलब है डियलगा। और जो पोकेमोन की गेम है पोकेमोन प्लैटिनम वो बेस्ड है गिरेटिना पर। हालांकि इसको एक अलग सीजन नहीं मिला पर इसको एक खुद की मूवी मिली है जो कि एक गिरेटिना और एक महायोद्धा जिसका इंग्लिश मीनिंग है गिरेटिना एंड द स्काई वॉरियर। तो गिरेटिना पर जो गेम बेस्ड है उसका नाम है पोकेमोन प्लैटिनम। तो यही थे इनके कुछ टाइप्स। पर गिरेटिना के दो फॉर्म हो सकते हैं, वो अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। एक है उसका ओरिजिन फॉर्म और दूसरा है एल्टर्ड फॉर्म। दोनों ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पर जल्दी से 60 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। तो आपको युक्सी एजेल्फ और मैस्पिरेट पे भी एक पार्ट मिलेगा कि कैसे उन्होंने म्यू को जन्म दिया और साथ में म्यू ने कैसे दूसरे पोकेमॉन्स को बनाया। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय। जब तक के लिए ट्रू पोकेमॉन और एनिमे फैन बने रहें।